मैं बहुत खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, जो आ गए। उन्होंने सारी कुर्सियों की लाज रख ली, लेकिन बात यह है सर कि मेरा ख्याल है, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आई होप एंड आई विश के बाकी लोग भी आ जाएं। सर बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे खड़ा हुआ है, जो मुश्किलात, जो मसाइल हमारे सामने हैं, जिनको नबरद आजमा होने के लिए दो या तीन लोग बैठ के उसको डील नहीं कर सकते। आपने देखा कि कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने अख्तर मैंगल साहब से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा मैं तो स्टेक होल्डर ही नहीं हूँ, मेरी तो एक सीट है। तो मसला ये है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं लेंगे ऑन बोर्ड, जब तक आप मसाइल की डिटेल में नहीं जाएंगे, जब तक आप वो नौजवान, वो बच्चियां जो निकली हैं अपने घरों से, माएँ बहनें बेटियां जो गवादर में जाके, जो हज़ारों की तादाद से जो खड़ी हुई थी, उनसे कौन बात करेगा, उनकी ख्वाहिशें कौन सुनेगा। जो बच्चे हमारे, यानी 30 लाख बच्चे बलूचिस्तान में, एक्सक्यूज मी, द हाउस इज हेयर टू लिसन, इफ पीपल हैव अदर थिंग्स टू डू दे कैन गो आउटसाइड। ये बात, एक सेकंड प्लीज बात करने दें आप, तो आप एक मिनट बात तो आगे करने दें। देखे नासिर भट्ट साहब, ये भट्ट साहब सुनने दें, मैंने क्या कहा है आपको। सर गुजारिश ये है, देखिए ओके आप भी बोलते रहे, मैं आप मसरूर साहब तशरीफ रख, थोड़ा सा बर्दाश्त तो नहीं। वो उनका कहना यह है कि बलूचिस्तान पे चूंकि बात हो रही है और आप इस पे बोल चुकी हैं। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ आर्डर पे मैंने आपको मौका दिया था। बड़ी मेहरबानी, आप मुझे बात कर लेने दें जिसकी मैंने तमहीद बांधी थी। नहीं, तमहीद ना बांधे हैं, उसको मुकम्मल करने। अरे भाई देखिए, वी आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर नॉट इवन गिवन अ चांस टू स्पीक। जब ये बात बिल्कुल जेंडर इशू ना बनाए, बिल्कुल है तो जेंडर इशू बनाऊंगी अगर आप लोग मुझे जायज बात नहीं करना। मैंने किसी के साथ, अब आप बात जो मैं कर रही थी, मुझे प्लीज करने दें आप, मुझे बात करने दें आप, आपकी मेहरबानी। आप बात नहीं करने देंगे तो आपके, मैं क्या चेयरमैन साहब, मैं बात ये कर रही हूं कि इधर इतने समझदार लोग बैठे हैं, इनको आप बैठे हैं, आप इनमें तहम्मुल ही नहीं है, इनमें तहम्मुल ही नहीं है कि ये किसी की बात सुने, तहम्मुल ही नहीं है इनमें, तहम्मुल ही नहीं है इनमें कि ये किसी की बात सुने। एक मैंने, सर, मैं गुजारिश ये करूं कि अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ब्रीफली उस पे बात करें। यू हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड योर स्पीच ऑन अफगानिस्तान। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ मेरा ये है कि जो लोग, देखिए बात मैं जो कर रही थी वो ये है कि ये पाकिस्तान हम सबका है और मैं इन पार्टीज, नून लीग में भी बड़े अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी बड़े अच्छे लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं। आप अपनी बात मुकम्मल, तो बात तो करने देना। नहीं, ये तमीज नहीं है ना। इतनी तकलीफ है, अब वो परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, मैंने क्या बात कर ली भाई, आप लोग 10-10 दफा वही बात करते। नासिर भट्ट साहब खड़े हो के जो मर्जी कह दे, कोई इधर पूछने वाला नहीं, ये क्या तरीका है। तो आप करें, सबर करें, थोड़ा सा 5 मिनट सबर करें, बड़े अफसोस की बात, आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो देखिए ना, ये कोई तरीका है चेयरमैन साहब, कोई तरीका है गवर्नमेंट? सर मैं बात सिर्फ ये, लेकिन इन हालात में क्या बात हो सकती है। मैंने पहले आपकी तारीफ की, आपको वेलकम किया, उसके बाद मेरा मुद्दा ये था कि इस हाउस के जो लोग हैं, बैठो यार, इसको तो बिठाओ। मैं ये कह, लगे रहे, जब चुप करेंगे तो मैं बोलूंगी, आप बोलते जाएं फिर। चेयरमैन साहब बात ये है, देखिए ये मेरा इस्तेहकाक जी, आपने कहा था जी कि मैं 2 मिनट लूंगी, मैंने कहा था मैं आपको 3 मिनट दूं, यू हैव ऑलरेडी टेकन 5 मिनट्स, बट इफ दे विल कीप क्वाइट। अच्छा सर, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप सुन ले, अगर इन लोगों में तो कोई बात सुनने की नहीं है। सर अब ये तो कोई बात ना हुई, आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो दिस इज नॉट ऑन। देखे जरा इनका एटीट्यूड, देखे आप एटीट्यूड, देखे इनका, आप ये एटीट्यूड है इनका कि ये बात नहीं होने देते। सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ ये कहने लगी हूँ, इनसे कोई ताल्लुक, मैं अब बलूचिस्तान पे
बात नहीं करती क्योंकि इनमें बर्दाश्त नहीं है। सर मैं सिर्फ ये बात करने लगी हूँ कि पाकिस्तान हमारी पार्लियामेंट के सेनेटर्स, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने इस्तेकाक की बात कर रहे हैं, हम जाते हैं। सर ये क्या मजाक है? सर मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम सेनेटर्स पिटिशंस लेके जाते हैं चेयरमैन इमरान खान को मिलने के लिए, पिटिशंस, हम सेनेटर्स हैं, इट इज़ आर इस्तेकाक के हम जाएं, लेकिन जो जेल के हुकाम हैं वो हमें बारहा वापस भेज देते हैं। इस हवाले से मैं ये बात कर रही हूँ कि आई एम गोइंग टू राइट टू यू, दिस इज आर प्रिविलेज। ये जो इनका तरीका है वो तो आप देख ही रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं होने देना, ना कोई काम की बात होने देते हैं, ना ये कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात होने देते हैं। सर ये रवैया बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये रवैया। सिंस द मिनिस्टर इज हियर, द मिनिस्टर हैज अराइव्ड,